नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरा नाम है नवीन और दोस्तों अगर आप भी एसएससी जीडी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में सवाल आए हैं, काफी सारे कमेंट्स आपने करे हैं हमारे पिछले वीडियो में जिसमें रिजल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जीडी के रिजल्ट को लेकर के, वो कट ऑफ की पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी दी थी। अगर आपने वो कट ऑफ को चेक नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जाए, वीडियो को वॉच कीजिएगा कंप्लीट। आपके राज्य में किस प्रकार कट ऑफ जा रही है वो सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। वही दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के उस वीडियो में काफी सारे सवाल किए गए हैं आप सभी के द्वारा, उन सवालों के जवाब हम लेकर के आए हैं। सबसे पहला बड़ा सवाल आप सभी का ये है कि सर, कट ऑफ के कितने दिन बाद में रिजल्ट जारी किया जाएगा और क्या कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी या फिर डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा? और दोस्तों, इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी, ये सवाल भी हमसे बार बार कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं, तो एक बार फिर से हम आपको वो भी अपडेट देने वाले हैं। और रिजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक न्यूज जो है वायरल की जा रही है रिजल्ट को लेकर के, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो। और रोजाना इसी प्रकार नई जॉब्स की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एसएससी जीडी के रिजल्ट के लिए आप जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tips1andbestpractices.com। यहाँ पर आपको सबसे पहले नई जॉब्स की अपडेट दी जाती है, एडमिट कार्ड की, रिजल्ट की, सभी तमाम अपडेट आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर कि आप डेली चेकआउट भी कर सकते हैं, यहाँ पर कट ऑफ को भी आप चेकआउट कर सकते हैं किस प्रकार कट ऑफ जारी है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि रिजल्ट को लेकर के और कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर और फिजिकल टेस्ट को लेकर के एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें आपने देखा कि यहाँ पर आपका जो फिजिकल है 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है एसएससी जीडी का, ठीक है? तो 15 अप्रैल से, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 15 अप्रैल से आपका फिजिकल टेस्ट शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 15 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। काफी सारे कैंडिडेट्स बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि सर, फिजिकल डेट तो आ चुकी है लेकिन रिजल्ट कब आएगा, हम कैसे तैयारी करें हमारी? अगर हम, मान लीजिए हम फेल हो गए, कई कैंडिडेट्स ऐसे ही पूछ रहे हैं कि हम फेल हो गए तो हम हमारी तैयारी कर रहे हैं वो बेकार ना चले जाए, ठीक है? तो यहाँ पर यही सोच सोच के कैंडिडेट्स जो है इंतजार कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर फाइनली नोटिस में जारी कर दिया गया कि 15 अप्रैल से आपका फिजिकल शुरू होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप पास होंगे या आपको लगता है कि आप पास नहीं हो पाएंगे, फिर भी आपको तैयारी तो करनी है, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है, कितनी भी कट ऑफ जा सकती है, कम भी जाएगी या ज्यादा भी जा सकती है। अगर कम जाती है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो दोस्तों आप ये गलतफहमी मत रहिए, आप तैयारियों को कंटिन्यू रखिए। आपको जो फिजिकल का टेस्ट है वो 15 दिन ही बचे हैं आपके पास, बहुत कम समय आपके पास बचा है, ठीक है? तो तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिएगा, अपनी दौड़ पे ध्यान दीजिएगा, अपनी डाइट पर, अपने शरीर पर पूरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चेस्ट का मेजरमेंट आप लेके देख लीजिए, ठीक है? आप चेस्ट क्वालिफाइड कर रहे हैं, हाइट आपकी क्वालिफाइड है, मतलब सबको आपको अच्छे से प्रॉपर चेक करना होगा, अपने शरीर को भी, अपनी डाइट पे भी, दौड़ पे भी ध्यान देना है, ठीक है? सुबह शाम आप दौड़ लगाइए अच्छे से। आप जो है 5 किलोमीटर को 24 मिनट में आपको पूरा करना है, वो आप कर सकते हैं अगर आप तैयारी रखते हैं। अगर आपका रिजल्ट में आ जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर समय कम बचेगा और आप फिजिकल में जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको फिजिकल की तैयारी अभी से करनी है। वही रिजल्ट के बारे में आपको बता दें कि रिजल्ट जो है आपका मात्र 24 घंटे के दौरान आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, ठीक है? तो 24 घंटे के अंदर तकरीबन आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एक फेक न्यूज यहाँ पर वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जिसमें कुछ बताया जा रहा है ब्लैक करके स्क्रीन में ट्विटर हैंडल अकाउंट पर, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज वायरल हो रही है उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, आप तो अपनी तैयारी में ध्यान दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कहीं से भी, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिंपली करना क्या है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर जो है जैसे ही अपडेट आएगा आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके चेक कर पाएंगे, ठीक है? या फिर आप आपकी आईडी को लॉगिन करके भी चेकआउट कर सकते हैं वहां पर स्टेटस क्या है, ठीक है? तो सारी जानकारी जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं, आपको यहीं पर ही सारी की सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? तो यहां पर आप जो है डेली बेसिस पर चेकआउट करते रहे, ठीक है? तो रिजल्ट जो है आपका 24 घंटे के दौरान जारी किया जाएगा। वही दोस्तों एसएससी के कट ऑफ को लेकर के, जीडी के कट ऑफ को लेकर के काफी सारे कैंडिडेट्स ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ हमारी कम जाएगी या हाई जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि कट ऑफ जो है इस बार ना तो हाई रहेगी ना ही लो रहेगी, एक तरह से मान के चलिए कि नॉर्मल रहेगी, पैरेलल।
तो आप ये मान के चलिए ऑटो कट ऑफ जो है ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि काफी बड़ी भर्ती थी, वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है, दो या तीन बार वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है, तकरीबन 50,000 से अधिक पोस्ट यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि यहाँ पर कई कैंडिडेट्स ने अप्लाई नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर जगह मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है कट ऑफ काफी लो होने वाली है, क्योंकि काफी सारी सीटें खाली पड़ी है, जिसके चलते यहाँ पर जो है काफी सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना बाकी है। तो दोस्तों रिजल्ट का अपडेट आते ही हम आपको हमारे चैनल के थ्रू अपडेट कर देंगे, चैनल पे बने रहिएगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।